Okay, so this is our 16th lecture on Introduction to Quantum Mechanics, and today we are going to discuss bounded states and recipe to solve one-dimensional scattering problem. So let's start. आज के और आज के बाद के lectures में हम scattering और bound states problems को discuss करेंगे. Scattering basically क्या चीज है? Scattering involves a beam of particles usually incident upon changing potential from negative x-axis to positive x-axis. ये प्रॉब्लम सारे वन डायमेंशनल होंगे और जब कभी बीम ऑफ पार्टिकल्स जो है वो नेगेटिव x-axis से पॉजिटिव x-axis की तरफ आए तो वो किसी चेंजिंग पोटेंशियल को इनकाउंटर करें तो उस दौरान वो पार्टिकल स्कैटर्ड करेंगे. ऐसे प्रॉब्लम्स को स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स कहेंगे. और इस तरह के प्रॉब्लम्स में जो पोटेंशियल होता है वो यूजुअली पीस वाइज फंक्शन होता है. और पीस वाइज फंक्शन किसको कोरिस्पॉन्ड करता है? जो कि नॉर्मली बैरियर्स की शक्ल में हो सकता है या वेल शेप हो सकते हैं कुएं की शक्ल में. और डिफरेंट हाइट्स, हाइट ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी, हाइट कम होगी तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी. सो दैट इज़ वाई इन स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स वी नॉर्मली डील्स विद द पीस वाइज पोटेंशियल फंक्शंस. सो ये चीज़ हो गई. और तो अब इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की रेसिपी क्या है, सो वो हम डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले आपको ये समझना है कि अ वेव फंक्शन बाउंडेड टू एन अट्रैक्टिव पोटेंशियल्स क्या होता है. आपको पता है अगर कोई पार्टिकल्स जो है वो विदाउट एनी पोटेंशियल कहीं रेजाइड कर रहे हो स्पेस में तो उसका सोल्यूशन प्लेन वेव सोल्यूशन होता है और उसकी एनर्जी मोमेंटम कंटिन्यूस होते हैं, सब कुछ कॉन्टिन्यूस होता है. तो उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होती है. लेकिन अगर आप किसी सिस्टम को, किसी पार्टिकल्स को या स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स को आप बाउंड करते हो सम अंडर सम अट्रैक्टिव पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल, लाइक कोलंबिक पोटेंशियल हो गया माइनस ई स्क्वायर ओवर 4πε r, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो सकता है लाइक GMM डिवाइड बाय r. तो इस केस में इस तरह के पोटेंशियल जो होते हैं वो अट्रैक्टिव पोटेंशियल होते हैं और इनकी एनर्जी आपको पता है नेगेटिव होती है. सो अगर आपका सिस्टम बाउंडेड हो कोई अट्रैक्टिव पोटेंशियल में तो उसका वेव फंक्शन भी क्या होगा? क्योंकि पोटेंशियल अट्रैक्टिव है और सिस्टम बाउंडेड है तो इसका मतलब ये कि वो पार्टिकल्स उस सिस्टम को लीव नहीं कर सकते, उन पोटेंशियल्स को हॉप नहीं कर सकते, ओवरकम नहीं कर सकते. तो वो पार्टिकल्स उस पोटेंशियल के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं आ सकेंगे. तो बाहर आने की प्रॉबिलिटी ना होने के बराबर ये कम होगी. तो बाहर वेव फंक्शन जो है वो डिमिनिश होता जाएगा, वैनिश होता जाएगा. तो लिहाजा बाउंडेड पोटेंशियल के सिस्टम्स में वेव फंक्शन लोकलाइज होता है स्पेस में. और जब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी यानी उस बाउंडेड पोटेंशियल की डोमेन से या रेंज से बाहर निकल जाता है तो वो उसका वेव फंक्शन जीरो होता है. और ऑब्वियसली वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी के साथ लिंक्ड है, साई मॉड स्क्वायर. अगर वेव फंक्शन जीरो होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली आउटसाइड द अट्रैक्टिव पोटेंशियल बाउंडेड पोटेंशियल जीरो होगी. सो दिस मेक सेंस. और यही वजह है कि आप किसी सिस्टम को किसी पोटेंशियल में बाउंड कर देते हो तो उसका सिस्टम रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, उसका वेव फंक्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है उस सर्टेन फाइनाइट स्पेस में, पोजीशन स्पेस में. तो उस वक्त उनकी एनर्जी डिस्क्रीट होना शुरू हो जाती है. दिस इज बेसिकली द एसेंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. जब आपका सिस्टम जो है अंडर नो पोटेंशियल होगा, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, तो उसकी एनर्जी कॉन्टिन्यूस होगी. लेकिन जब उसको आप अंडर पोटेंशियल रखोगे तो वो बाउंड हो जाएगा. और जब बाउंड हो जाएगा तो उसके अंदर क्वांटाइजेशन इनहेरेंट होना, डोमिनेंट होना शुरू हो जाएगी और आपको क्वांटाइजेशन नजर आएगी एनर्जी में. सही है. सो दिस इज बेसिकली रिस्ट्रिक्टिंग अ वेव फंक्शन इन दिस वे लिमिट्स द एनर्जी टू बी अ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम. एनर्जी की वैल्यूज कंटिन्यूस नहीं होंगी, डिस्क्रीट होंगी. तो एनर्जी इसकी डिफरेंट वैल्यूज का स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होगा, ना कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा. और याद रखें इन बाउंडेड पोटेंशियल के केसेस में टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी. मीन्स काइनेटिक एनर्जी तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होती है हमेशा, लेकिन क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक से ज़्यादा है तो ओवरऑल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी भी नेगेटिव होगी, जो कि जीरो से लेस देन होगी, लेस होगी. सो लिहाजा ये बाउंडेड सिस्टम्स है. बाउंडेड को उल्टा कर दे, अगर आपके पार्टिकल्स की एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है तो टोटल एनर्जी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब ये है द पार्टिकल इज इन अ पोजिशन टू ओवरकम द पोटेंशियल सच दैट बिकॉज इट्स टोटल इट्स काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी. सो नाउ दिस इज अ फ्री पार्टिकल सिस्टम. दिस इज अ फ्री सिस्टम. सो दिस रिप्रेजेंट्स अ स्कैटरिंग प्रॉब्लम.
जब आपके सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम में मौजूद पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी से कम होगा तो वो सिस्टम स्कैटरिंग प्रॉब्लम वाला सिस्टम होगा। सो ये उस केस में एनर्जी ग्रेटर देन जीरो होगी। अब इस तरह के सिस्टम्स को स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाए? जवाब बहुत सिंपल है, आपको इन रेसिपीज का सहारा लेना है, इन स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप नंबर वन क्या है? डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू डिफरेंट रीजन। मैंने आपको बताया कि आपका सिस्टम पीस वाइज फंक्शन होगा, आपका सिस्टम का पोटेंशियल पीस वाइज फंक्शन होगा, जो कि पोटेंशियल वेल की फॉर्म में हो सकता है, बैरियर्स की फॉर्म में हो सकता है। तो फ्रॉम माइनस एक्स एक्सिस टू प्लस एक्सिस आपके डिफरेंट रीजन होंगे, वहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बैरियर्स हो सकते हैं। सो इस केस में आपने अपने सिस्टम को डिफरेंट रीजन में डिवाइड करना है, और क्योंकि डिफरेंट रीजन में इस तरह करना है कि हर रीजन में एक खास पोटेंशियल होना चाहिए। तो मिसाल के तौर पर ये फिगर आपको क्या दिखा रही है कि ये एक बेसिकली आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ कोई पार्टिकल आ रहा है, तो यह बेसिकली पोटेंशियल है, ये बेसिकली इसकी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, और इस केस में एनर्जी जो है वो पोटेंशियल से ज़्यादा है, और यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू ये है, एनर्जी ये है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा एनर्जी कम है, और यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है पोटेंशियल कम है। सो इस तरह के सिस्टम से आप देख सकते हैं कि आपके पास तीन रीजन हैं, रीजन टू, रीजन थ्री, इसी तरह यहां पर आप रीजन फोर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आपने स्पेसिफाई करना है कि यहां पे पोटेंशियल क्या है, यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, यहां पे क्या है। सो वन बाय वन आपने पोटेंशियल स्पेसिफाई कर दिया, तो आप हर एक पोटेंशियल सिस्टम के लिए इंडिविजुअल श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वेव फंक्शन निकालेंगे हर रीजन में। सो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? पहले स्टेप में डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू डिफरेंट रीजन्स एंड आइडेंटिफाई द फंक्शनल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल्स एट डिफरेंट रीजन, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सॉल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन इन ईच रीजन फॉर दैट गिवन पोटेंशियल। सो अगर आपका सिस्टम अनबाउंडेड है, फर्ज करें एनर्जी पॉजिटिव है, टोटल एनर्जी पॉजिटिव है, मींस काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर है पोटेंशियल से, तो उस वक्त आपका सिस्टम फ्री होगा। क्या होगा? फ्री। और जब आपका सिस्टम फ्री होगा तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? प्लेन वेव सॉल्यूशन होगा, और प्लेन वेव सॉल्यूशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके, जो कि साई इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स के बराबर है। ए और बी जो है कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड्स हैं, ये नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि आप बाउंड्री कंडीशन से कैलकुलेट कर सकते हो। और इसके अंदर अब क्योंकि मोशन आपको पता है नेगेटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है और डिफरेंट रीजन्स हैं, तो इन रीजन्स में अगर एक तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो बेसिकली ये वाला पार्ट कोरिस्पॉन्ड करेगा इसको, ई टू द पावर आइटा के एक्स, जो ये शो कर रहा है पार्टिकल जो है मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सिमिलरली ई टू द पावर माइनस आइटा के एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्टिकल राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, और क्योंकि ये फ्री पार्टिकल पोटेंशियल है, फ्री सिस्टम है जिसमें पोटेंशियल ज़्यादा है, ये स्कैटरिंग प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑसिलेटरी सोल्यूशन है। कौन से सोल्यूशन है? ऑसिलेटरी, ठीक हो गया। और अगर आपके सिस्टम जहाँ पे एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल से कम है, तो टोटल एनर्जी जो है वो लेस देन जीरो है, तो इस केस में आपका सिस्टम ऑसिलेटरी सॉल्यूशन नहीं देगा बल्कि डिकेइंग सॉल्यूशन देगा। मींस अगर आपका सिस्टम लेफ्ट से राइट पे जा रहा है और डीके कर रहा है, फर्ज करो लेफ्ट से राइट डीके कर रहा है, ये इसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये इसके ऑपोजिट में जाएंगे तो ये राइज करेगा। सो ये एक्सपोनेंशियल डीके और एक्सपोनेंशियल स्पीड अप जो है, एक्सपोनेंशियल राइज जो है, वो बेसिकली आपको ये शो कर रहा है कि आपका सिस्टम बाउंडेड पोटेंशियल में है। तो आपका सिस्टम बाउंडेड पोटेंशियल में होने की वजह से पोटेंशियल आपको अलाउ नहीं कर रहा कि आप आसानी से उस बैरियर को क्रॉस कर सकें, इसीलिए उनकी वेव फंक्शन जो है वो डीके करते जाएंगे, इसीलिए इनका वेव फंक्शन का सोल्यूशन डिकेइंग सोल्यूशन है। क्या है? डिकेइंग सोल्यूशन है, ठीक हो गया। सो दिस इज बेसिकली डिकेइंग सोल्यूशन। थर्ड जो स्टेप है उसमें आपने
जो ए बी सी डी है यहाँ पे, बेसिकली ए है बी है, इसी तरह यहाँ पे मैंने ए भी नाम दिए, आप सी डी भी नाम दे सकते हैं। ये कांस्टेंट जो है इनको कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि ये तो जनरल सॉल्यूशन है ना, वेव फंक्शन श्रोडिंगर इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन है, और आपको किसी फिजिकल सिस्टम को रिस्पॉन्ड करवाना है सॉल्यूशन को, तो उसको पार्टिकुलर सॉल्यूशन होना चाहिए, और वो उस पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको कांस्टेंट्स को डिटरमिन करना है। तो कांस्टेंट डिटरमिन करने का पहला गोल ये है कि आपने ये याद रखना है कि आपका वेव फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट द बाउंड्री। एट द बाउंड्री अगर ये बाउंड्री है, ये एक्स एक्सिस है, तो इस बाउंड्री पे एक्स की वैल्यू लेट से ए है, तो यहाँ पे साई लेफ्ट होगा एट ए मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, सिमिलरली साई राइट होगा एट ए, वो इक्वल होने चाहिए, क्या होने चाहिए, इक्वल। और अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो आपका वेव फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा अक्रॉस द बाउंड्री, आपका सिस्टम बाउंड्री के अक्रॉस कंटिन्यूस होगा, और तब इस तरह आप ए बी सी को फाइंड कर सकते हैं। और न सिर्फ फंक्शन बाउंड्री के अक्रॉस कंटिन्यूस होगा, बल्कि इसका डेरिवेटिव भी इस बाउंड्री के अक्रॉस कंटिन्यूस होगा, सही है। तो आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेना है, राइट हैंड डेरिवेटिव लेना है, और इवेलुएट करना है एट एक्स इक्वल टू ए। तो इस केस में दोनों इक्वल आएंगे, तो ये कंडीशंस भी आपने याद रखने कि इनके डेरिवेटिव्स भी कंटिन्यूस होंगे, ठीक है। सो दिस थर्ड स्टेप इज डिटरमाइनिंग द कोएफिशिएंट कॉन्स्टेंट्स, ए बी सी डी निकल गए। उसके बाद आपने, क्योंकि स्कैटरिंग प्रॉब्लम डिस्कस करें, तो स्कैटरिंग के लिए आपने क्या कैलकुलेट करना है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है। सो अगर आपने सिस्टम को सॉल्व किया है, साई निकाल दिया है, साई निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकालना है। इनको निकालने के लिए ये आपको ये बताएंगे कि पार्टिकल्स, अगर बीम ऑफ पार्टिकल आई है तो ट्रांसमिशन के चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन कितनी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन कितनी है। इनको ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं, और ये ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ये इंश्योर करेंगे, प्रोबेबिलिटी के लिए इंश्योर करेंगे कि पार्टिकल क्या बैरियर को से गुजर सके या नहीं गुजर सके, और अगर नहीं गुजर सके तो रिफ्लेक्ट हुए कि नहीं हुए, और अगर गुजर चुके तो ट्रांसमिट कितना हुए। इनको कैलकुलेट करने का हमारा अगला टास्क होगा। सो आपका अगर सिस्टम है जो जिसमें बीम ऑफ पार्टिकल लेफ्ट एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रहे हैं, तो इधर तीन तरह की पॉसिबिलिटीज है। पार्टिकल आ रहे हैं तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन साई होगा, रो इंसिडेंट होगा, तो इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको याद है जो इंसिडेंट मिलेगा। इसी तरह रो मल्टीप्लाई बाय वी, और ये रो ट्रांसमिटेड लेंगे तो ये जे ट्रांसमिटेड होगा प्रॉबिलिटी का। इसी तरह अगर रो रिफ्लेक्शन वाले डेंसिटी जो वेव फंक्शन जो पार्टिकल्स के वेव फंक्शन जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उनको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे उन पार्टिकल्स की या उस वेव पैकेट की, तो उस वक्त ये बराबर होगा जे रिफ्लेक्शन। सो अगर ये चीज़ें आपको समझ आती हैं, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट्स प्रोबेबिलिटी करंट कैलकुलेट करना आ जाता है आपको, साई से रो निकालना है और रो से जे निकाल सकते हो, या आप जे को डायरेक्ट निकाल सकते हो यहाँ से h cut divided by 2 में माइटा, साई निकल गया तो साई स्टार निकालो, साई से डी साई बाय डी टी निकालो, डी साई स्टार बाय डी एक्स निकालो, सॉरी एक्स निकालो, और जब जे निकल जाएगा तो आपने जे ट्रांसमिशन जे रिफ्लेक्शन और जे इंसिडेंट निकालना है, और उसके बाद आपने ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकालना है। ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ये कहता है कि कितनी ट्रांसमिशन हुई और इसके मुकाबले में कितने इंसिडेंट हुए, बैरियर के क्रॉस कितने इंसिडेंट हुए और कितने प्रोबेबिलिटी करंट जो है वो ट्रांसमिट हुई, इसके रेशो को इन्होंने ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का नाम दिया। और ये एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए निकाला है क्योंकि ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट प्रोबेबिलिटीज है और वो रियल है, ठीक है। इसी तरह इंसिडेंट कितनी पड़ी बैरियर पे करंट, और इसके मुकाबले में रिफ्लेक्ट कितनी हुई, जे रिफ्लेक्शन डिवाइड बाय जे इंसिडेंट का मॉड, क्योंकि मॉड इसलिए लेना है क्योंकि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट अगेन प्रोबेबिलिटी है, तो ये रिफ्लेक्ट कितनी हुई आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। एंड एट लास्ट आपको पता है रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटीज हैं, तो प्रोबेबिलिटीज का टोटल सम 1 के बराबर होता है, और परसेंटेज ट्रांसमिशन प्लस रिफ्लेक्शन जो है वो 100% के बराबर होगा, सही है। सो इस तरह आप स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है,
अपने डिफरेंट रीजन्स को आइडेंटिफाई करना है कि पोटेंशियल्स की क्या वैल्यू है, उसके बाद अपने श्रोडिंगर इक्वेशन को हर पोटेंशियल सिस्टम के लिए सॉल्व करना है, उसके बाद आपको वेव फंक्शंस मिल जाएंगे लेकिन जनरल फॉर्म में मिलेंगे। उन जनरल फॉर्म को पार्टिकुलर फॉर्म बनाने के लिए आपको उसके जो कॉफिशेंट्स हैं, नॉर्मलाइजेशन कॉफिशेंट्स या स्केल फैक्टर्स हैं, उनको कैलकुलेट करना है कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड्स को, और उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली दो कंडीशंस का सहारा लेना है कि बाउंड्रीज पे या बैरियर्स पे पोटेंशियल, जहाँ पे बैरियर्स पे वेव फंक्शंस कॉन्टिन्यूस होंगे, लेफ्ट हैंड वेव फंक्शन राइट हैंड वेव फंक्शन इवेल्युएटेड एट एक्स इक्वल टू ए हमेशा सेम होंगे, और न सिर्फ ये बल्कि इनके डेरिवेटिव्स भी उस एक्स इक्वल टू ए पे सेम होंगे। और इस तरह आपने क्या निकाला, साय निकाल दिया, और साय से फिर आपने क्या निकालना है, जे निकालना है। जे का फार्मूला क्या है, एच इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एच का डिवाइड बाई टू एम आयोटा साय स्टार डी साय बाय डी एक्स माइनस साय डी स्टार साय बाय डी एक्स। यहाँ से जब जे निकल जाएगा तो आपने जे इंसिडेंट जे ट्रांसमिशन जे रिफ्लेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। फिगर आउट करने के बाद जे ट्रांसमिशन निकालने के लिए जे ट्रांसमिशन डिवाइड बाई जे इंसिडेंट का रेशियो लेना है, और बाद में एब्सोल्यूट वैल्यू लेके जे ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर लेना है। इसी तरह जी रिफ्लेक्शन निकालना, जी ट्रांसमिशन निकाल के रेशियो लेके इसका मॉड स्क्वायर ले लेंगे, मॉड ले लेंगे तो आपको रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मिल जाएगा। सो इस वीडियो तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिए। सो अप टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।